قدرة واحدة من الله كل شيء مادة झगड़ लो उसको अंदर से और तेल झगड़ो उसको झगड़ो उसको अंदर से और तेल झगड़ो बंदा उसको भाई लगा उसको तेल झगड़ो उसको लगा पूरी ताकत हाँ लगा पूरी ताकत कितने दिन पूरी लगा कांच खोलो झगड़ो उसको और तेज से कांच खोलो झगड़ो उसको और तेज से लगा पूरी ताकत झगड़ो उसको पूरा तेजी झगड़ो लगा पूरी ताकत लगा तेजी से पूरी लगा झगड़ लो उसको और तेजी झगड़ो واستغفر الله ان الله غفور رحيم جبلو اس اندر سے اور تیز جکڑ لو झगड़ो उसको और तेजी से एकदम उत्तर बाहर नहीं जाने का इधर से मारने का ना रोड पे चले जाने तो झगड़ो उसको और तेजी से लगा बोरी दाखत लगा तो दोनों हाथ तोड़ देता हूँ देख क्या समझा था तूने मेरे को नींबू काटने वाला समझ रहा था हाँ कैसी बड़ी ना मार देगा हाँ लगा पूरी ताकत लगा जोर से हाँ झगड़ लो उसको और तेजी से झगड़ो अरे बाप रे जोर से बोल मुझे सुनने नहीं आ रहा जोर से अच्छा अरे साहब राबी ले तुम हाँ हाँ आई मजा आई चक्रो जरा इसको चेक कहाँ से आया था कब्रस्तान से कहाँ से मसनवाड़िया से कब्रस्तान से कहाँ से हाँ तुम्हारे कौन है ना अच्छा इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या उनका कहाँ से आ रहा बोलता था जब से करता था सबको सही नहीं बता था अच्छा अब काट देता हूँ उसको अब टुकड़े करता हूँ सब काट के चलिए हाथ दे दे अब मुझे जकड़ लो उसके हाथ उतने से जकड़ो Yeah.
बताओ उसको क्या रहती मजा, तो जकड़ो उसको तेजी से। नींबू काटने वाला समझा था मुझे, बताओ उसको जरा ताकत क्या है, तो जकड़ो। जकड़ लो, जकड़ लो उसको, दोनों हाथों जकड़ो तेजी से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा आ रही थी देखो, चल बोले मजा आ रही थी। कैसी मजा निकाला तेरी मैंने, जोर से बोल, सुनने नहीं आ रहा मुझे। ऐसा नहीं कहीं मिला, मैंने बहुत कुछ चलाया, नींबू काटने वाले थे, यहाँ नींबू काटने वाले अल्लाह ने दिया की ताकत है, मेरे को अच्छा लगता था। तोड़ लू क्या तेरे दोनों हाथ, ले लू तोड़ के, ये हाथ ले लू क्या? कैसी ताकत है, देखा, जोर से बोल, अल्लाह के कलाम की ताकत है रे बाप, ऐसी ताकत कहीं नहीं मिली, सुनने नहीं आ रहा मुझे, कैसी कहीं नहीं मिली ऐसी ताकत, कहीं नहीं मिली ऐसी ताकत, जोर से हाँ, जोर से। नींबू काटने वाला समझ रहा था रे मेको, ऐसा समझा था, ऐसा समझा था, पड़ा यहाँ के, बहुत फंस गया मैं, यही नहीं लाया मेकू, वो उन्हें लाया मेकू, बाप कौन लाया, उन्हें लाया ना नाजिम ने, अरे बहुत तकलीफ हो रही है।
तब मारने वाला था। अरे बाप, अरे अरे मेरे दिल में था रे, मेरे दिल में दाल को लेके जाना था रे। मैं किसके हाथ में आया नहीं रे बाप, मैं किसके हाथ में आया नहीं। हाँ मेरे को बहुत मजा आती थी, ये पिता था कि मर भी मेरे को मजा आती थी। जकड़ लो उसको और तेज़ और जलाओ उसको अंदर से, आग लगाओ तेज़ से। अरे इसको मैंने, अरे मैंने बहुत बर्बाद कर दिया इसको, मैंने बर्बाद कर दिया इसको। मैं किसके हाथ में नहीं आया, मैं किसके हाथ में आया नहीं। सुनने नहीं आ रहा मुझे, जोर से जलाओ उसको, जला दो उसको, जला दो। मैमुना भी कुमार ने आला था खाली। और तुम कौन है? मारो उसको, ठीक से जरा बताओ उसको जरा। आने वाला था मैं, तू इसको लेके जाने वाला था। अरे मैं तो मरे हुआ है, मैंने करके गया था, मैं इसको करके गया था। मैं क्या करके गया था? करके गया था। मैंने बोला ये मेरे साथ में आएंगी, ये नहीं आई, ये आई थी। मैं चले गया सला, मैं चले गया। हाँ। मेरा जादू चल गया। अरे बाप रे, जिंदा है? मर गया? नहीं मर गया, मर गया मैं। मर के लोगों को परेशान कर रहा, मारो उसे और नाला इसको। मेरे को एक बेटी है। अरे बाप, मेरे को एक बेटी है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम, अरे बाप बहुत भारी है। क्या प्यार मत है मेरा नाम? क्या है? मारो, 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 मारो।
मारो उसको और मारो। अरे बहुत मारो उसको और मारो उसको मार दे रहा हूँ। हाँ क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? मैंने बोला ना। क्या बोला ना? मैंने सुना थी नहीं? मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला तूने? मेरे को शर्म लगती नाम बोलने मेरे को शर्म लगती बोलने की है। जादू करने को शर्म नहीं आती ना? ये मेरा आपस में है। क्या आपस में? आपस में है मेरा। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तेरे बेटी को मार दिए थे क्या उन्होंने? नहीं तेरे बेटी का घर जलाए थे? नहीं मेरी बेटी का तो बहुत अच्छा हुआ सुना। हाँ फिर लोगों घर जला खुद के घर अच्छा कर रहा है ना? अब मार के भर रहा हूँ नाला। मारो उसको और मारो नाला इसको। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बहुत तकलीफ हो रही रे। अरे बाप, अरे बाप, अरे रे, अरे क्या चला? क्या लिखा था जादू चलाते टाइम पे इनका? क्या नाम था? माइमुना भी का क्या लिखा था जादू चलाते टाइम पे? भूत लेगा। क्या भूत लेगा? जो लगता हूँ मगर कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया? मेरे को झड़के घर वालों ने दिया। किसने दिया था? झड़के घर में से मिला मेरे को। कौन था? किसने दिया था? सब मिला मेरे को। कौन था? मेरे को सब मिला। किसने दिया था लाखों? ये इसके घर वाले ने दी मेरे को। रजिया ले दे सब सामान देखो। कब दी थी उन्होंने? अरे बाप रे, कितने साल हो गए? पैसे खाया था उसके पास का। कितने पैसे? वो मेरे छाती पे आई थी तो मैंने बोला इसका कांटा निकाल देने का। इसको कांटा नहीं निकला सर। मैंने बहुत कोशिश करा। मैंने बहुत किसने करी थी जादू? क्या नाम था उसका? उसके नाम उसके नाम रजिया था। उन्हें सब सामान मेरे को दी थी लाके। जो लगता मेरे को भीम ने लाके। अरे बाप रे, ऐसा मैंने बोला ऐसा नहीं वस्त्र मिलेगा। मैंने बहुत फिराया इसको। मैंने बहुत घुमाया इसको। मैंने इसका बहुत तमाशा करा। मैंने इसको बर्बाद करके छोड़ दिया। मैंने बोला मेरे साथ में आ जाएगी। घर के झाड़वाले ने बहुत लेके फिरा इसको। बहुत लेके फिरा इसको। बहुत अच्छा लगता था मेरे को। नामा बोल कितों के लिया? नामा बोल अच्छा लगता था मेरे को। कितने लोगों के लिया? लिया नहीं, मैं लेने वाला था। मैं चले गया उड़ के। मैंने सब मेरा जो बात थी मेरे दिल में रह गई है। मेरे हाथ में कोई भी नहीं आया। मेरे हाथ में कोई भी नहीं आया। मैंने बहुत करा, मेरा फायदा कुछ नहीं भैया। चुड़िया पीड़िया पेन करने आना अंदर में। बार बार बोलता हूँ हाथ में चुड़िया निर्मा कान में बालिया निर्मा। जब शैतान आंग में आता तो तुम घायल हो सकते या दूसरा घायल हो सकता। कोई भी ऐसी चीजें नहीं लेकर आना अंदर। सब निकाल के लेकर आते जाना। झगड़ो उसको और तेज झगड़ो। देखा कैसी ताकत अल्लाह ने रखी है इस दुनिया में। जादू आकर के तू अपने आप को भारी का समझ रहा था रे। हाँ मैंने मेरे काम नहीं था कुछ। मैं वही काम करता था। मैं भर रहा मर गया ना। भर रहा मैं एकदम चले गया। क्या बोलना तुमको? मैं खुद पछता रहा। मैंने कुछ फायदा नहीं करा। कैमे मिला के खिलाया था इनको मुनी रवि। क्या नाम इनका? मैमुना। अभी को कैमे मिला खिलाया था? खिलाया नहीं मैंने। खिलाया नहीं मैंने।
इसका सामान लिया हाँ। मैंने चप्पल का चमारी चप्पल का काम करा हाँ। मैंने भावला बनाया हाँ। मैंने पूरे जिस्म में खिले भरा हाँ। मैंने क्या क्या करा मेरा मेरे को मालूम कितने लोगों को मारा अभी तक कितने मारा मारा नहीं तड़पाया मैंने लोगों को जादू टोने करके कितने तड़पाया पानी पिलाओ सर उसके पेट में से भी आग लगेगी सर इधर लो फिर अंदर आओ एक जना कोई तो भी पिलाओ घटक बात मत करो घट करके निकलाओ जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ उसके कमीन के बच्चे की पकड़ो उसके बाला निकलाओ घट करके निकल निकल देख अल्लाह के कलाम के पानी की ताकत निकल हराम का इब्लीस का पुजारी चलाओ उसको तेजी से देखा कैसी ताकत रखी अल्लाह के कलाम की तो साले शैतान के पुजारी शैतान को भी मार के पानी भरने लगाते मारो इसको नाला इसको आओ दोबारा तोबा कर तोबा सुने आ सुने आ सुने आ रही तोबा सुने नहीं आ रही अरे बाप रे मैं गालियां दूंगा फिर जबान काट देता हूँ फिर जबान भी काट देता हूँ हाथा भी काट देता हूँ एक मिनट में हुकुम देखें काटने लगा दूं तोबा कर तोबा तोबा जोर से तोबा 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 हाँ करेंगे परेशान मैं करूँगा हाँ देख लिया कैसे ताबत हो नालायक और क्या पूछाने का है इतना ही पूछना है क्या ना जब पंजाब जाता ना हो रहा यार वो जाएगा यार दोबारा आएगा क्या बोल रहा ना उन्हें तो पूरे दुनिया लेके फिरे करते सब लोगों की वजह से जाता था मैंने जाने आने वाला है उसको आज तक कोई मिला नहीं था करते ना नहीं नहीं आज देखा ना कैसी ताकत है तो यहाँ हाँ बोल वहां से पूछ रहे ताकत देखा कि नहीं देखा करते बहुत भारी मिला बहुत भारी अरे बाप रे इसको इसको अरे मैंने मैंने बोला ये झाड़ के करो लोकू मैंने बोला मैं पैसे दे मैं अच्छा करता मैंने काय का करा मैंने रिंगर बनाया मैंने उसको बिठाया मैंने ज्यादा कर दिया इसका अरे बाप रे कितना टाइम हो रहा था मार के उसका नेट लग गया था तुम इलाज को इनको नाम ले रही ना उन्होंने तुम्हारे कौन होते घर वाले होते ना हमारे वो दो है अच्छा तो पहले है दूसरे पहले ये बात की बात की दूसरे दिन तो दिसंबर हो गई चल रहे अब दिखेंगे हम एक दोबारा खैर तेरे को उतारा मंगा के तेरे को जला के राख कराता हूँ तो ऐसा नहीं जाने वाला तू ज्यादा नहीं हो रहा है हाँ वो तो उसको उतारे से राख करेंगे उसको जला के पूरा अरे बोल मेरे कमर में हाँ एक जादूगर का तागा है मेरे हाँ उससे अभी तक आराम दो इसका दो मगर वही तो बाजू हो साइलेंट करो चल रहे छोड़ू क्या मार दू पूरा देखो हाँ नहीं नहीं आता ना मैं कहा नहीं बोल रहा मैं आता आता काट के ले लू क्या नहीं नहीं क्या दो टुकड़े करो बीच में धड़ अलग मुंडी अलग फिर मुंडी मशरिक को और धड़ मगरिब को भेज के देता हूँ दो दो दोनों फिरते हाँ देखा यहाँ कितनी फौज है मेरे पास में तो नालायक तेरी औकात क्या है कमीने दुनिया में मनमाना कर रहा शैतान के साथ मिलके कोई सिखाया ने मुझे देखा क्या हजरत अली की औलादों में से बोल के अल्लाह ने दिया लियो दास्तान जकड़ के रखो उसको नालायक को और तेजी से तुम्हारे बाप की दुनिया है क्या रे
छोड़ के अब निकल जल्दी में अभी काट दूंगा। चलो उसको निकालने की तैयारी करो बाहर से को उसको निकाल के। जा 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 मैमुना भी अरे क्या हुआ उठो, चलो पानी पियो। अरे क्या होगा था, कहाँ से आए तुम, यहाँ कस के आगे अंदर कैमरा में देख कैसे क्या आगे, ए घीच मारता मत करो, कैसे क्या आगे पानी कैसे क्या गिरा तुम्हारे आम पिता, क्या मालूम कैसे गिरा पानी आया था क्या, हाँ बारिश कैसे क्या आ गई अंदर, कब आए थे तुम यहाँ, परसों आए थे कल आए थे पता नहीं, नहीं मालूम। ये कौन है, अच्छा ये कौन है, ये हम साथ में वाले हैं। अच्छा चलो पानी पियो। खैर उनका कुछ सामान निकाल तुम लोग लाके अमल करो, अमल करा के पूरा सब निकाल के चला के सामान कुछ भी रहने उसको रहा है काय का सामान लाने का से आगे आगे ले भाई देखते तुम अमल लिखा के। हां ये सामने आ गए मान लो आज लाने का कैमरा इधर मेरे तरफ है, ऐसा नहीं करना बार बार ना बोलता कि ला यरहमुल्लाह मल्ला यरहमुन नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, तुम सदा और जलन से एक दूसरों की जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देंगे जादू टोनों से तो तुमको दुनिया में भी भरना पड़ेगा और तुमको आखिरत में भी भरना पड़ेगा। तुम अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दे रहे हो और अपनी आखिरत भी, जादूगरों के पास मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कोई कितना बड़ा भी जादूगर होगा कैसा भी होगा तो अल्लाह के कलाम के सामने उसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। जादूगर के पास जाने वाले की शफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हम नहीं करेंगे हिजर के दिन, मैं उसकी शफात नहीं करूंगा, सरकार ने फरमा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम जादूगर के पास जाएंगे तुम्हारी शफात देंगे, तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों भी बर्बाद हो गए, जहन्नुम के हकदार बन गए तुम। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि नहीं जाना, बिल्कुल जादू टोना नहीं करना। तुम्हारे हाथ में तो हथियार दिया अल्लाह ने, दुआ और बददुआ। तुमको अगर कोई नाहक सता रहा तो बददुआ करो, वैसे भी बददुआ किसी के हक में करना ही नहीं, सबको दुआ देना, क्योंकि अगर कोई बुरा है तो उसकी सजा उसको बरोबर मिलेगी, अपन भी उसके जैसे बुरे बन गए तो अपने में उसमें क्या फर्क रहेगा। और ये बहुत गलत बात है, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। कुरान हदीस ये सब चीजों को पढ़ेंगे घर में माहौल बनेंगे, कुरान 5 टाइम पढ़ने की कोशिश करो, हर नमाज के बाद एक रुकू पढ़ो या नहीं तो कम से कम पूरे दिन में एक रुकू पढ़ो। कुरान शरीफ तुम्हारे ये सब चीजों से महफूज रखने के लिए अल्लाह ने दिया है, तुमको जूसदानों में और महराबों में सजा के रखने के वास्ते नहीं दिया है। तुम पढ़ेंगे तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी गरज नहीं है अल्लाह को कि जो तुम कुरान पढ़ेंगे अल्लाह तुम्हारे वास्ते बैठा लाए, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। और कुरान शरीफ जो अल्लाह का कलाम दिया अल्लाह ने तो तुम्हारी हिफाजत के वास्ते दिया, ऐसी चीजों से तुम महफूज रहेंगे बोल के। और हर वक्त की हर चीज
इसकी दुआ याद कर लेना, घर से निकलने की दुआ, खाना खाने की दुआ, सफर की दुआ, ये सब तुमको याद रहेंगे तो कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। सुबह मामूल बनाओ, बाद नमाज फज्र के सूरह यासीन कम से कम एक बार पढ़ो, बाद नमाज मगरिब के कम से कम एक बार सूरह यासीन पढ़ो। सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिली स्वास्थ्य कहा जाता कि अल्लाह ने ना फर्श बनाया था, ना अर्श बनाया था, ना अल्लाह ने सितारे, ना कुछ ना क्या, कोई चीज नहीं थी, सिर्फ वाहिद अल्लाह था। तो जब अल्लाह ने दुनिया बनाने से, दुनिया की बुनियाद, ये सब चीजों की रचना गिरने से पहले फरिश्ते, अर्श, कोई चीज नहीं थी। तो जब अल्लाह ने उससे 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद सूरह यासीन पढ़ा था, तो इतनी बड़ी चीज है सूरह यासीन। सूरह यासीन बाद नमाज फजर के पढ़े तो शाम तक तुम्हारे को कोई जहमत नहीं पहुंचा सकता, और सूरज डूबने के बाद पढ़े तो फिर दूसरे दिन का सूरज निकले तक तुमको कोई जहमत नहीं पहुंचा सकता। कोई सातो जमीन और सातो आसमान में ऐसी ताकत नहीं है जो तुम कुरान और सूरह यासीन पढ़ने के बाद तुम्हारे जहमत पहुंचा सके। समझ गए? कहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह तुम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। चलो, कहाँ से आए थे? अच्छा अच्छा, तुम्हारा पहली बार में हुआ है धीरे, क्या 2-3 चक्कर करना पड़ा यहाँ? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, चलो फिर धीरे, अभी दास्तान देख लेना तुम, सब पानी की बॉटल उनके उनको दे दो सब।